नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन आपके अपने ही चैनल द फैक्ट टाइम में। आज फिर हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा में। बात करते हैं उन लोगों से जो आज भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कहना है उनका इस जगह के बारे में और गुरु के बारे में। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सुखपाल कौर। आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? मैम हम 30 साल से। आप इतने लंबे टाइम से लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जितना कुछ भी हमने इस जगह के बारे में देखा व सुना, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? वैसे सानू विश्वास बहुत ज़्यादा, तो मतलब कि उंझ तो सानू मतलब कि 40 साल हो गए जुड़िया, तो मतलब कि 30 साल तो मैनू हो गए, तो करके विश्वास बहुत ज़्यादा। मैं 5th क्लास जो नाम शब्द ले लिया सीगा डेरे तो, तो बहुत ज़्यादा विश्वास बनया हुआ। वैसे साढ़े घर से भी पिता जी ने इन खुशियां बख्शिया हुई ने भी सानू मतलब कि कोई कुछ मर्जी कही जाता, सानू इन्ना विश्वास है भी असं आपका विश्वास नहीं तोड़ सकते। आप इतने लंबे टाइम से, आपने बोला कि आप 30 साल से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज मिला कि आपका उनके ऊपर इतना विश्वास है? हमारे घर में पता किया इतनी ज़्यादा गरीबी सी, तो वैसे मालिका ने इन्नी जदों से डेरे नाल जुड़ गए तो हौली हौली साढ़े घर बख्शिश आनी शुरू हो गई, हर एक कार्ज जो भी साडा सीगा सफल होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिवें नशे बढ़ते जा रहे हैं, देखो महाराज जी नशियां तो भी रोकते सीगे, तो मतलब कि देखो बेसहारा से उन्हों का भी सहारा बने, तो मतलब कि सब तो वड्डी तो बेसवा देखो, बेसवा का महाराज ने किन्नरा का अलग वो किया सारा कुछ, इन्ना कुछ मतलब कि करते हुए हूँ 1 लाख तो आप कह दिए भी उन्होंने मतलब कि इदा हो गया इदा हो गया, ये बहुत ज़्यादा गलत होया, बहुत ही ज़्यादा माड़ा होया। तो करके मैं तो यह कहना चाहनी हाँ भी देखो पिता जी ने जिन्ने भी कार्ज चलाए थे वो सुपुन होन उदा ही चलते रहन, अपनी संगत है जो इदा ही जुड़ी रहे, विश्वास बनया रहे, तो मतलब कि जो भी उन्होंने कार्ज चलाए हुए उन्होंने संगत, चलो महाराज की गैर हाजिरी तो आप कह नहीं सकते, अपने बिच ने अपने नाल रेंदे आ, तो करके भी मतलब कि उन्होंने ना होने के बावजूद अपन कार्ज सारे पूरे करने चाहिए, अटल विश्वास बनाना चाहिए, जो विश्वास है तो सब कुछ है, जो विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से 30-30 सालों से जो लोग डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपने अनुभव हमें बताए।